नमस्कार सारथीय दुर्गा पूजा सह आम सहर को स्वागत करुछ माथरे प्रथमे हेडलाइंस गतिशक्ति मिशन प्लान रो शुभारंभ कले प्रधानमंत्री कहिले देश को मिलिबो गति और शक्ति विभाग असुविधा उपरे लागिबो विराम आगो को बढ़िबार चारि मंत्र देले मोदी पूरी पुलिस सफलता एसटीएफ कब्जे ब्राउन सुकार बेपारी 250 ग्राम ब्राउन सुकार सह पांच अभियुक्त गिरफ और 11 टी मोबाइल फोन नगद टंका दुईटी एटीएम कार्ड और गोटे मोटरसाइकिल कार जबत राजधानी में मनीष अनुराग मृत्यु मामला फुलवाणी टाउन थाना दिनेश और मृत्युंजय आत्मसमर्पण उभय मृत्यु पूर्व मनीष होटेल आज भुवनेश्वर आनी अधिक पचरा केन्दुझर सदर विधायक मोहन माझी गाड़ी को बोमामाड़ घटना तीन दिन पर भी दुर्वृत्तों टेर पाउनी पुलिस तरबरिया भाव जारी है सीसीटीवी फुटेज खबर दे पुरस्कार देवा घोषणा कले एसपी पिठे नवमी मंडपर अष्टमी कोविड कटक भितर चली पूजार्चना आज आरती चंडी होम सहित सन्धार हो षी पूजा कलाहांडीर आराध्य देवी मां माणिकेश्वरी छतर जात्रा सकाल 8:43 मिनिट्रे मंदिर में प्रवेश कले मां प्रतीक कटक भितर शेष है पारंपरिक रीतनीति अपराह 4 जाए सहर से 144 धारा जारी आसिया संपूर्ण खबर को गतिशक्ति मिशन प्लान रो शुभारंभ कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रीम प्लान रो आरंभ करी कहिले देश को मिलिबो गति और शक्ति यह विभाग असुविधा उपरे पकाइबो पुनच्छेद आज सरकारी व्यवस्था पूर्ण चिंताधारा बाहरी आगो को बढ़ुछि एथर स्लोगान रही विल प्रोग्रेस वर्क फॉर प्रोग्रेस विथ फॉर प्रोग्रेस एवं प्लान फॉर प्रोग्रेस प्रधानमंत्री कहते एवं केवल परियोजना निर्धारित समय सीमार पूरा करने को नुहे प्रोजेक्ट को समय पूर्व शेष करने को प्रयास केंद्र सरकार प्रदर्शनी हॉल का लोकार्पण भी हुआ है दिल्ली में आधुनिक इंफ्रा से जुड़ा ये भी एक अहम कदम है ये एग्जीबिशन सेंटर्स हमारे एमएसएमई हमारे हैंडीक्राफ्ट हमारे कुटीर उद्योग को अपने प्रोडक्ट दुनिया भर के बाजारों के लिए शोकेस करने ग्लोबल मार्केट तक अपनी पहुंच बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद करेंगे मैं दिल्ली के लोगों को देश के लोगों को बहुत बधाई देता हूं शुभकामनाएं देता हूं मालदा पंचायत दलित गांव पारिवारिक कलहर करुण परिणति स्त्री को पिटी पिटी हत्या कला स्वामी अभियुक्त स्वामी रमेश मुंडा निज स्त्री जप मुंडा को ठेंगारे पिटी पिटी हत्या करिछे हत्या संपर्क में ग्रामवासी और सरपंच कोईडा पुलिस को घटना संपर्क में अवगत कराइथिले घटनास्थल में पुलिस समेत साइंटिफिक टीम पहुंच अभियुक्त स्वामी को अटक रखि पचराउचरा करुछे सेपटे हत्याकांड पर सातटी कुनी शिशु असहाय पड़ी शिशु मान थैथान पर गांव लोके स्थानीय प्रशासन को अनुरोध करम सहित जोड़े रही रिपोर्टर अमिय अमिय पारिवारिक कलहर करुण परिणति एभली चित्र आसुची सुंदरगढ़ पूरा घटनाक्रम कौन रही निश्चित भाव माधुरी पारिवारिक कलहर एक करुण परिणति घटी तेज यदि आम देखा कोईडा ब्लॉक जो हूँ खणि खादान भरा अंचल प्राचुर्य भरा अंचल किंतु से भाई जगार बारंबार एभली घटना सामना को आसवा निहाती एक जिला प्रशासन उपर कौटि ना कौटि प्रश्न सृष्टि कर जिलार जो डेवलपमेंट उपर प्रश्न सृष्टि करण जेहेतु से आदिवासी अंचल जो रही कोईडा ब्लॉक जो जलदा गाँव रो दलिता गाँव अच्छी मालदा पंचायत रेटी जे रमेश मुंडा रही स्त्री को हत्या कालापर स्त्री भी मरी जा निजे से एबे जेल को जी तेज सतटी शिशु को भविष्य को नहीं एक प्रकार चिंता प्रकट कराई भविष्य एक प्रकार से अनाथ हो जाते कहले चल कारण ये जो शिशु सुरक्षा विभाग भी एपर्तंत पहुँचनी चाइल्ड लाइन भी एपर्तंत पहुँचनी निश्चित भाव पिला भविष्य एवं अंधार अच्छी अच्छा आम सहित जन सूचना अधिकारी कर्मी तथा पूर्वतन प्रदेश कंग्रेस कमिटी राज्य जो संपादक थे देखो ये जो कोईडा अंचल बारंबार एभली घटना सामना को आसो हत्या घटी ये भी मदप घटी तेज
ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୋଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ଭଳି ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସୁବିଧା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ସିଚୁଏସନ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶକାତର ମଧ୍ୟ ଘଟଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିଏ ମଦକୁ ଏଭଳିଆ ମାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଏକଦମ ମାନେ ବସ୍ତି ବସ୍ତିରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ମଦ ପିଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ରହୁନି। ପ୍ରଥମ କଥା, ଆପଣ ଯେଉଁ ବସ୍ତିକୁ ଯିବେ ଯେଉଁଠି ଯିବେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ମିଳୁ ନ ମିଳୁ ମଦଟା କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରବଳ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହେଉଛି ତେଣୁ ମଦ ଏକଦମ ପୁରା ଏକଦମ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଏକଦମ ସେ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ନମ୍ବର ଦୁଇ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷା ଏକଦମ ତଳସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଯାହାକି ଏକଦମ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ସିଏ ଯେହେତୁ ପୁରା ଏକଦମ ତଳସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ରହିବନି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅବିଚାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା, ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରୁଛି ଯେ ଆଜି 2021 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତାଙ୍କର 7ଟି ପିଲା ଏବଂ ଆଜି ମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ମୃତ ଏବଂ ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ୍କୁ ଯିବେ, ସେଇ ଯେଉଁ 7ଟି ଯେଉଁ ସେ ଭିତରୁ ଅନେକ ନାବାଳକ ଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା ପୋଷିବେ ଏବଂ କେମିତି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିବ, ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ସେ ଛୋଟ 7ଟି ଛୁଆ ସେମାନେ କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବା ଠିକ୍ ପାଇବେ, ତାଙ୍କର କେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ନ ଉପୁଜିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କାରଣ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ବିଭାଗ ରହିଛି, ଛୁଆଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଲା ପରେ ଏବଂ ଜେଲ୍ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାକୁ କେମିତି ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଲକୁଲ, ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଅମୀୟ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ କିଭଳି ପାରିବାରିକ କଳହ ଆଉ ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ କିଭଳି ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଛି ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ଏ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ସମାଧାନ କିଭଳି ହେବ ତାହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅମୀୟ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ପୁରୀ ପୋଲିସର ଅପରେସନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର, ଏସ୍ଟିଏଫ୍ କବ୍ଜାରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାରୀ, 5 ଜଣ ଧଳା ଚହର ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁରୀ ବଳିଆପଣ୍ଡା ଥାନା ପୋଲିସ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 250 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ 5 ଜଣ ବେପାରୀଙ୍କ ଘର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ। ଧରାପଡ଼ିଥିବା ବେପାରୀଙ୍କଠାରୁ 11ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, 5,000 ନଗଦ ଟଙ୍କା, 2ଟି ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ, ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ 250 ଗ୍ରାମ ଧଳା ଜହର ଜବତ ହୋଇଛି। ଜବତ 250 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ସେପଟେ ଗିରଫ ବେପାରୀ କିଭଳି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଆଣିଲେ ଓ ଏହା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ସେ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରହିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ପୁରୀରୁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, ପୁରୀ ପୋଲିସର ଅପରେସନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର, ବିଶେଷ କରି କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେତେ ଜଣ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ତମାମ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ମାଧୁରୀ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଏବେ ପାଲିଟିଛି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପୁରୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ସକାଶେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରୀ ବେପାରୀମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି, ପୁରା ପୁରୀ ମାତ୍ରାରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ ଚାଲିଛି, ଧରପକଡ଼ ଚାଲିଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି କହିବା, ଆଜି ପୁରୀ ପୋଲିସ ଏକ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା ପୁରୀ ବଳିଆପଣ୍ଡା ଥାନା। 5 ଜଣ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। 5 ଜଣ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ପୋଲିସର ଅପରେସନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ବିଜେପିର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଉପରେ। ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମାନନୀୟ ଡକ୍ଟର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଡକ୍ଟର ବିଭୁପ୍ରସାଦ ତରାଇଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମର ଏଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରଭାରୀ ତଥା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦିଲୀପ ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ ଏବଂ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା
सम्मानीय पूर्णचंद्र मल्लिक महोदय एवं मो सम्मुखरे उपस्थित समस्त प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया समस्त सांबादिक बंधुगण, ओडिशा सरकार एक संघीय व्यवस्था थिला बेले एवं सांविधानिक नीति नियम बा व्यवस्था जो भली भाव कार्यकारी करने कथा ओडिशा सरकार आज ठिका श्रमिक निजुक्ति क्षेत्र रे से सांविधानिक विधि व्यवस्था को उल्लंघन करिसंति। आमे जानिचे जे संविधान रे आमर संरक्षण जो माने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एवं ओबीसी वर्गर लोक माने अछंती आमर समस्त निजुक्ति क्षेत्र रे से रेगुलर एम्प्लॉय हंतु किंबा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हंतु ये क्षेत्र रे निजुक्ति दबा पई संरक्षण निश्चित भाव रखा जिवार आवश्यकता अछि। एक कथा केन्द्र सरकार बारंबार विभिन्न राज्य सरकार को कहिछंती आमर केन्द्र सरकार सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग मंत्री अतीत दिन में 2018 मसीह थर चंद गेहलट ये संपर्क समस्त राज्य को ये व्यवस्था को कड़ाकड़ी भाव में लागू करने पूर्व चिठी लिखिकी देते एबे मध्य सामाजिक न्याय मंत्री जी अच्छा वीरेन्द्र कुमार सी मध्य ये संपर्क सबू राज्य को अवगत कराई किंतु दुख परितापर विषय आज जितेबले ओडिशा राज्य रे ये ठिका श्रमिकंकर निजुक्ति होउची विभिन्न विभाग रे से पंचायती राज विभाग हो राजस्व विभाग हो शिक्षा विभाग हो स्वास्थ्य विभाग हो सबु विभाग रे आज जितेबले ठिका श्रमिकर निजुक्तिर कथा आसुची एवं ठिका श्रमिक कहिले तांकु तीन भाग रे भाग करा जायछि बी सी डी तीनोटी ग्रुप रे भाग भाग करा जायछि एवं ओडिशा रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज फॉर पोस्ट एंड सर्विसेज ओआरवी एक्ट अनुसार ये समस्त कथा को लागू करिबार जो व्यवस्था प्रकृत रे ये कथा को ओडिशा सरकार कार्यकारी करूनाहंती। अतीत दिन रे जेतेबेले एससी एसटी मिनिस्टर भाबरे लाल बिहारी हिमारी हिमिरिका विधानसभा थिले सेतेबेले विधानसभा रे ये प्रसंग रे बारंबार आलोचना हिछ भारतीय जनता पार्टी रो करेन्द्र माझी समेत चक्रधर पाइक प्रभृति विधानसभा रे ये प्रश्न को उत्थापित करिचंती जे ठिका श्रमिक क्षेत्र रे संरक्षण व्यवस्था को ये सरकार कड़ाकड़ी भाव पालन करंतु एवं सेतेबेले लाल बिहारी हिमारिका हिमिरिका गृह को मध्य निर्दिष्ट भाव सांत्वना देथले एवं तांकर कथा रखिथले जे ओआरवी एक्ट रे संशोधन आणिबे एवं रिजर्वेशन पॉलिसी के कड़ाकड़ी भाव पालन करिबे ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल बा ठिका व्यवस्था कथा जेतेबेले बिजु बाबू मुख्यमंत्री थिले सेतेबेले आरंभ करा जायथिला एवं सेतेबेले संरक्षण को से कार्यकारी करिनथिले ता परवर्ती अवस्था जेतेबेले जानकी बाबू मुख्यमंत्री हेले से समरे मध्य संरक्षण व्यवस्था को कड़ाकड़ी भाव पालन करा गला नै एवं आज जेतेबेले नवीन बाबू 2000 मसीहा टू ए पर्यंत शासन करूचंती विभिन्न समय रे से ठिका श्रमिक को निजुक्ति देला बेले सेथिरे किभली भावरे समाने एससी एसटी एवं ओबीसी एमाने सुविधा न पाइबार व्यवस्था ये कथा को राज्य सरकार प्रकारांतरे एठी जो माने ब्यूरोक्रेट्स अछंती जो माने अमलार मुख्य भावरे अछंती समाने ये कथार किभली एससी एसटी ओबीसी के वंचित करिवे से व्यवस्था करिचंती। अतीत दिन रे आमे जानिचे जेतेबेले शिक्षक मान क्षेत्र में 7000 शिक्षक को निजुक्ति दबार कथा आसला सेतेबेले ये
संरक्षण व्यवस्था को लागू करा जाई नथला सेतेबेले विभिन्न आमर एससी एसटी ऑर्गेनाइजेशन गुड़ाक सेतेबेले आंदोलन को गले सरकार चाप पकेले तापरे ओआरबी आक्ट अनुसार पुणी संरक्षण सुविधा दिगला से भली भाव जो मैंने जूनियर इंजीनियर अच्छा ओडिशा निजुक्ति पाउचंती ठिका श्रमिक भाव क्षेत्र में भाव ओआरबी आक्ट अनुसार जो संरक्षण सुविधा देवा कथा आपको करन आसे परवर्ती खबर को शारदीय दुर्गा पूजा पाई उत्सव मुखर पूरा पले चली माँ नवदिनात्मक पूजा पीठे महानवमी और मंडप महामाई महाष्टमी पूजा धरावतरण करिछन्ते मा दुर्गा कटकणारे चालिछि माँकर पूजा अर्चना नाही शौच तोरण किंबा आखि छलसिला परे आलुअमाला केवल विधि अनुसार चालिछि माँ आराधना आज मंडपरे माँकर महाष्टमी पीठरे नवमी पूजा आज अष्टमी व्रत पूजा कराजिबार परंपरा रहिछि महिला माने मंडपरे दुर्गाष्टमी व्रत पूजा करि करिछन्ते एवं अन्य पक्षरे राज्यर विभिन्न शक्तिपीठरे षोडश उपचाररे पूजा हेउछि आज माँ कटक गडचण्डीक सहित अन्य शक्तिपीठ में मध्य नवमी पूजा चली संबलपुर अधिष्ठात्री देवी माँ समलेश्वरी मंदिर में चली षोडश उपचार पूजा किंतु आसंता काली जितेबाला थिला पो जुंतिया काली माँ षोडश उपचार पूजा शेष हो जाइछि। वर्तमान जदि देखिबा आज माँ पीठ से नवमी पालन कराऊँगी एवं जो आसंता 20 तारीख रही 20 तारीख दिन माँ रंजिता उत्सव हेब एवं जो मंदिर में नूतन ध्वजा मध्य आरोहण करा जीव तो देखिपे कि भाव में भक्त श्रद्धालु माने आज नवमी में माँ का दर्शन पाई बहुत दूर दूरांतर आसुचंती एवं माँ का दर्शन करचंती। वर्तमान समय है 11:30 माँ को आउट किसी समय पर पहड़ा पड़ो तेणु भक्त श्रद्धालु माने प्रबल मात्रा रे आसुवा देखापी मिलू बहुत दूर दूरांतर भक्त श्रद्धालु माने आसुचंती आम प्रतिक्रिया नवा आज्ञा आप हीराकुद्र भल लगुच शांति लगुच निहत भाव में जमी भक्त आम प्रतिक्रिया नौले माँ जेहेतु आज नवमी पूजा अच्छी तेणु बहुत भक्त श्रद्धा माँ का दर्शन पाई पूजक अच्छा प्रतिक्रिया ना आज्ञा माँ का पीठ से आज कौन रीतनीति रही पूजा आज माँ का पीठ महानवमी लगला ठीक 12:00 मंदिर अन्नभोग लग सर गोटे माँ का सिंगार हे सिंगार पर राति 8:00 माँ को माने आखड़ा जो माँ को धंडा जो अच्छी धंडा माँ को आखड़ा सहित बाट मान बटमंगला मंदिर पूजब से पूजा अर्चना हे माँ से धंडाटा फिर से मंदिर भितर को प्रवेश कर। अच्छा जो नव दिनात्मक दीप प्रज्वलन करते लोक मैंने कौन कर विजया दशमी दिन जिते दीप जलुला से विजया दशमी दिन विसर्जन हे तापर जो माँ को रीतनीति रही दशहरा पर माँ को मंदिर जो नूतन ध्वजा आरोहण करता है कौन रही से 20 तारीख कुमार पूर्णिमा दिन माँ को नुआ ध्वजा रोपण हे नुआ ध्वजा माँ को कलश ऊपर चढ़ पूर्णा तल को आसब पूर्णा ध्वजाटा माँ को प्रसाद हिसाब से भक्त गण को बंटा जा जमी भाव में पूजक आज्ञा कहते वर्तमान माँ का मंदिर में आज नवमी एवं जदि देखा आज सन्धार आखड़ा बाहरी जो खंडा जात्रा होता आसंता गत काली जो खंडा जात्रा होता से आखड़ा बाहरी बाटमंगला मंदिर पर्यंत जाए माँ को जो नवदिनात्मक दीप प्रज्वलन जो मैंने करता समापन करा जाए। संबलपुर कैमेरा पर्सन अजित शुभश्री बारिक अर्गस न्यूज दशहर आम आपंक सीधा प्रसारण देखाऊार प्रत्येक स्थानों बर्तमान आम राउरकेला जावा राउरकेला अच्छा आम प्रतिनिधि सस्मिता अच्छा सस्मिता आपंक शारदीय पूजार अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना आज किभली पूजा अर्चना चली आम राउरकेलार दुर्गापुर पहाड़ माँ वैष्णोदेवी पीठ से अच्छा जहाँकि 750 सीढ़ी चढ़ी भक्त माने एठी आसी थांती एवं नवरात्रि पूजा करथांती आम सहित सीधा सड़ख अच्छा पंडित अच्छा सीधा सड़क पचार कि आज अष्टमी पूजा माँ को केमती कौन चली कौन कौन रीति नीति चली था आज नवरात्र चला है आज माता का दिन है
और महागौरी की पूजा होती है, जो उनका श्रद्धा भक्ति से महागौरी का आराधना पूजा अर्चना करते हैं, सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है और सब बड़ी श्रद्धा भक्ति से आते हैं और सरकार का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से भी काम किया जा रहा है, ज़्यादा भीड़ भट्टा नहीं किया जा रहा है। नवरात्रि में जो नीति नियम से पूजा होता है उस नीति नियम से पूजा जो है नवरात्रि का हो रहा है। देवी परिवार कमेटी के जो जैसा उन को आदेश मिला सरकार की तरफ से हम लोग उसी के अनुसार पालन। हमें अपन मन को किसी विजुअल दिखेबा को चाहिबो जहां कि एटी अच्छी महावीर हनुमान कर प्रतिमूर्ति से भी नवरात्रि जो विभिन्न भक्त माने आसिक दीप पूजा अर्चना करने सहित विभिन्न मनस्कामना मागि थांती एवं माँ को अच्छी माँ को प्रतिमूर्ति अष्टमी पूजा ओके बहुत बहुत धन्यवाद सुष्मिता आपणकर तमाम सूचना पाई एवं जो चित्र देखाउले रालकुलारो रालकुलारो मध्ये किछ भिन्न धरणर पूजा अर्चना चली छि बहुत बहुत धन्यवाद। असे परवर्ती खबर को कलाहांडी जिल्लार अधिष्ठात्री देवी मां माणिकेश्वरीक प्रसिद्ध छतर यात्रा कोरोना कटकणा भितरे शेष होइछि पारंपरिक पूजा एवं मां माणिकेश्वरीक मूल आस्थान मंदिर ठारु मांक प्रतीक छतर भोर 6:45 रे बाहरीथिला सहर उपकंठ जेनाखालरे गुप्त पूजा मध्ये चालीथिला सकाळ 8:43 रे मांकर प्रतीक मंदिर रे पहुंचीथिला। सेपटे पूजा को दृष्टि रखी सहर रे प्रवेश उपरे कटकणा जारी करिछे प्रशासन। अपराह 4:00 जाय भवानीपाटणा सहर रे प्रशासन पक्षरु 144 धारा लागू करा जायछे। मुतन होछन्ते 10 प्लाटून पुलिस फोर्स। खोर्धा बाणपुर भूषणपुर माँ उग्रतारा पीठ से स्वतंत्र पूजा अर्चना शारदीय पूजा को नहीं विभिन्न शक्ति एवं तंत्र पीठ से स्वतंत्र पूजापाठ कर भक्त श्रद्धा निज मानसिक पूरण पर पूजापाठ कर पीठ को पर्यटन स्थल मान्यता भी मिली तेज शारदीय पूजा उपलक्षे यह पीठ अधिकर अधिक चलचंचल हो उठी थाए कि एवं जनशून्य होवल माँ नीतिकांति अनुषित होर्धा जिलार यही दुई शक्तिपीठ जहाँकि तंत्रपीठ एवं ऐतिहासिक पीठ भाव बेस परिचित। बाणपुर माँ भगवती पीठ टांगी भूषणपुर माँ उग्रतारा पीठ से स्वतंत्र रीतनीति चली स्वतंत्र पीठ स्वतंत्र पूजा 16 दिन जो शारदीय दुर्गा उत्सव ये भगवती माँ दक्ष प्रजापति बाप घर से शयन करते कनक दुर्गा मूलाष्टमी दिन ताहांको उत्थापन करा जाए सहस्त्र कुंभाभिषेक करा जाए एवं तापर ताहांकर मंगला अर्पण करा जाए काठी ठाकुरणी एवं कनक दुर्गा को समय सरिछि बुलेटिन को इठे रखुछु नमस्कार।